रहेगा जी। चलिए सबसे पहले करुणा के महासागर भगवान बुद्ध, शिक्षा के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले, समग्र क्रांति के प्रणेता हमारे उस देश की नारी जाति के मुक्तिदाता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, और बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाने के लिए काम करने वाले बहुजन नायक मानवर साहब काशीराम जी, और इस देश में जन्मे सभी महापुरुषों और संतों के चरणों में नमन करते हुए आज के इस बहुजन संकल्प दिवस की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री वीपी सिंह साहब, हमारे राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन के राष्ट्रीय संयोजक और बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर सुरेश माने साहब, हमारे राष्ट्रीय बहुजन अलायंस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और इंडियन नेशनल लीग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मोहम्मद सुलेमान साहब, अभी नवाज पढ़ने गए हैं, नवाज पढ़ के अभी भी आपके बीच में फिर से आएंगे, और यहां पर भाई घनश्याम कोरी जी जो स्वतंत्र जनता राज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी मीटिंग आगे मुजफ्फरनगर में लगी हुई है तो वो निकल गए हैं। यहां पर मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर डॉक्टर बीटी राजे साहब, विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासंघ के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य जी, बहुजन न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार पटना से चलकर आए हैं आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार जी, दलित जागृति मिशन के अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतपाल जाटव जी, दलित संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के प्रदेश कोऑर्डिनेटर बड़े भाई श्री ब्रजपाल सिंह जी, राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इंडियन नेशनल लीग के उत्तर भारत के प्रभारी आदरणीय श्री पीसी कुरिन साहब, और यहां पर मंच पर बैठे मेरे साथी सहयोगी वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष भाई एहसान फिरोजाबादी जी, और हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य मेरे पूज्य पिताजी श्री पदम सिंह जी, और अन्य सभी साथी जो मंच पर बैठे हैं, और सामने जो भी मेरे साथी बैठे हैं बुजुर्ग छोटे बड़े भाई और मेरी बहनें, जो इस भाई के आह्वान पर आज इस दोपहर में यहां चलकर आई हैं, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय और आदाब। साथियों, मानवर साहब काशीराम जी ने घर छोड़ा, डीआरडीओ में साइंटिस्ट थे, नौकरी छोड़ी, शादी विवाह जन्मदिन अंतिम संस्कारों में जाना छोड़ा, जीवन में कभी अपना कोई बैंक अकाउंट नहीं रखा, नाम पर कोई प्लॉट कोई जमीन कोई पट्टा एक पैसा भी कभी जिस इंसान ने नहीं रखा, और अपनी जिंदगी केवल बहुजन समाज को इकट्ठा करने, उस पर होने वाले अन्याय और अत्याचार को खत्म करने और इस देश में न्याय और समानता की लड़ाई लड़ने के लिए लगा दी। ऐसे महापुरुष हमारे बहुजन नायक मानवर साहब काशीराम जी का आज हम मेरठ में जन्मदिन मना रहे हैं। वैसे तो जन्मदिन उनका 15 मार्च को होता है, लेकिन 15 मार्च को सभी जी के कार्यक्रम होते हैं, इसलिए हमने थोड़ा हटके, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हैं 15 मार्च साहब काशीराम जी के जन्मदिन से लेके और बुद्ध पूर्णिमा तक लगातार पूरा मार्च का महीना साहब का जन्मदिन, और फिर अप्रैल का महीना मन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन, और फिर बुद्ध पूर्णिमा तक सारे हमारे त्योहार चलते हैं। हर दिन जो भी चाहती जहां चाहता है जैसे चाहता है
मनाता है तो हमारे कार्यक्रम चलते हैं। इस तरह से हमने भी आज ये प्रोग्राम 25 तारीख को यहां पर रखा। बातें बहुत हैं और मेरे साथी भी बोलेंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो जरूरी मैं कहना समझता हूं। साथी, यह कुछ साथी जो संख्या है उसको लेकर थोड़ा सा हतोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन साथियों इससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर लड़ने वाले ईमानदारी से 5 लोग भी हों और वो भी यह ठान लें कि लड़ना है और जीतना है और मिशन को पूरा करना है, तो कोई ताकत नहीं कि आज नहीं तो कल हम लड़ाई जीते और मिशन हमारा पूरा हो। यही होता है। अभी हमारे साथी उन्होंने बताया, कोरी साहब जो है उन्होंने बताया कि साहब महाराष्ट्र में 8 साल काम किया, लोग इकट्ठे नहीं हुए और इतना उसका प्रभाव पड़ा कि अगर बटन लगा रहे हैं तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लगने लगा, दिमाग पर इतना प्रेशर हुआ। लेकिन उस सबके बावजूद भी रुके नहीं, झुके नहीं, कभी टूटे नहीं और लड़ते रहे। और नतीजा आपके सामने है कि जब मान्यवर साहब काशीराम जीवित थे, 11 प्रदेशों में उनके द्वारा बनाई हुई पार्टी के प्रतिनिधि जीत कर आए थे और उत्तर प्रदेश में तो 4-4 बार सत्ता में उनकी पार्टी रही। लेकिन दुख की बात यह है कि जो मिशन उन्होंने शुरू किया वो मिशन पूरा नहीं हुआ और जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी गई थी, या तो वो चुप बैठ गए या कहीं बिक गए या सत्ता के लालची हो गए और मिशन वही की वही दब गया। उस मिशन को पूरा करना है और इसीलिए हमने आज ये बहुजन संकल्प दिवस के नाम से ये दिन चुना है। आज हम इस बात का संकल्प लेते हैं कि जब तक जीवित रहेंगे मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन को जारी रखेंगे और इसे जीते जी पूरा करके दिखाएंगे। साथी, इसलिए हमने ये कार्यक्रम किया है। साथी, और मिशन क्या है? मिशन साथियों, बहुत सीधे शब्दों में अगर हम बात कहें तो साहब के ही शब्दों में अगर मैं कहूं तो मिशन बहुत सीधा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो जिनका जितना अनुपात है उन्हें उस अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर हम महिलाओं की बात करें, बहनों की बात करें, तो इस देश की आधी आबादी उनकी है, उन्हें 50% उनका हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन मिला क्या? चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, सारी सरकारें हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, किसी ने 33% आरक्षण भी उन्हें दिया नहीं है। 33% आरक्षण महिलाओं का बिल भी आज लोकसभा में पड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और तो उनका राज्यसभा में भी बहुमत होने जा रहा है, लेकिन बिल पास नहीं हुआ। यह है इनकी बेईमानी। इस बेईमान को खत्म करना है, इस बेईमानी को खत्म करना है, इसलिए मिशन का काम करना है। जिनका हक है हमें उनका हक देना है। साथियों, उसी के लिए लड़ाई लड़नी है हमें। और इस लड़ाई में साथियों मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो लोग सुबह से शाम तक बेचारे रोटी के चक्कर में लगे हैं, पेट की रोटी भी नहीं पूरे कर पाते, वो लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? लड़ाई शुरू कर पाएंगे क्या? मैं मानता हूं, मेरा पक्का विश्वास है, ना वो लड़ाई शुरू कर सकते हैं ना वो लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन वो हर सूरत में आपके साथ खड़े हो सकते हैं। वो खड़े हुए हैं साथियों। अगर वो खड़े हुए हैं तो जहां भी, जिस राज्य में, जिस प्रदेश में जो भी साथी जीत कर आए हैं बहुजन समाज के, या जो भी साथी उस वर्ग से जीत कर आए हैं जो दबा कुचला है, वो उन्हीं के बदौलत जीत कर आए हैं। साथी, तो मिशन हमें पूरा करना है। और मिशन का मतलब है साथियों केवल यही नहीं जो मैंने बताया है। मिशन उनका साफ था कि मुझे बहुजन समाज को इस देश का हुक्मरान बनाना है। क्यों बनाना है हुक्मरान? मानव साहब काशीराम क्यों चाहते थे कि बहुजन समाज इस देश का हुक्मरान बने? क्योंकि साथियों बहुजन समाज पर ही सबसे ज्यादा अन्याय और सबसे ज्यादा अत्याचार होता है। और मान्यवर साहब काशीराम जी का कहना था कि जो समाज हुक्मरान होता है उस पर कोई अन्याय और कोई अत्याचार नहीं होता। मैं एक उदाहरण आपके सामने देता हूं। हमारे देश में लगभग 25 लाख की आबादी हमारी आंगनवाड़ी बहनों की है,
25 लाख संख्या, सरकार के हिसाब से 13 लाख 50 हजार आंगनबाड़ी केंद्र हैं, होने चाहिए 13 लाख 70 हजार कानूनी हिसाब से, जो सरकार की रणनीति है उसके हिसाब से। लेकिन इन 25 लाख आंगनबाड़ी बहनों को मात्र कहीं 3000 कहीं 4000 सिर्फ इतना ही वेतन मिलता है, वो भी नहीं, वेतन नहीं है, मानदेय है। 25 लाख को आज की तारीख में 3000 में 4000 में क्या आता है? एक ढंग की सी साड़ी खरीदने चले जाओ तो इतने पैसे में वो भी नहीं आती, बाकी तो सारी चीजें छोड़ ही दीजिए। लेकिन 25 लाख की संख्या और 1975 में ये आंगनबाड़ी केंद्र बना था संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से कि जिन देशों में कुपोषण ज्यादा है वहां पर कुपोषण को खत्म करने के लिए 1000 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी और एक सहायिका, इन दोनों की स्थापना की जाए। और इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1975 में संगठन बना, उसके बाद से पूरे देश में 25 लाख। लेकिन ये 25 लाख अपनी लड़ाई ईमानदारी से इकट्ठा होकर लड़ नहीं पा रही, और सरकार में आने की बात से अगर कहो कि राजनीति में आओ तो उसमें आने से डरती है। जिसका नतीजा ये है कि आदमी इन्हें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा इन्हें। अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में 60 दिन लगातार इनका संघर्ष चला और मैं उसमें लगातार इनके साथ रहा, लेकिन ऐसी बेशरम, ऐसी बेरहम और इतनी झूठी सरकार है कि अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादा किया, जिसे वो संकल्प पत्र कहते हैं, 2017 के विधानसभा चुनावों में हम 120 दिन के अंदर कमेटी बना के आपको मानदेय देंगे, कुछ नहीं दिया। साथी मेरठ में मीटिंग हुई थी भाजपा के उत्तर प्रदेश के कोषाध्यक्ष आए, मैंने उनके सामने कहा कि तुमने वादा किया था, तुम्हारी वजह से हम लोग सड़क पे हैं, अगर तुम अपना वादा पूरा नहीं करते तो लड़ने के लिए संघर्ष के तैयार है ना, हम सड़क पे चलेंगे और एक से एक बजाते में अपना हक लेकर आएंगे। ये बात हमने कही साथियों, हर कदम पर हम लड़े और लड़ाई अभी बंद नहीं है। इस मीटिंग के बाद मनोहर साहब का श्रीराम जी का जन्मदिन आज मनाने के बाद केवल उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में आंगनबाड़ियों की लड़ाई राष्ट्रीय जनता संघर्ष पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी, और अब क्या उन्हें बताएगी कि क्या हाल उनका होना है। हमने इसकी शुरुआत कर दी है, पहली मीटिंग की अब आगे करेंगे। केवल इतनी बात नहीं साथियों, सरकार की बेरहमी और बेशर्मी देखिए, उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में जो है शिक्षा मित्र वो भी है, उन्हें भी कुछ नहीं, उन्हें भी वादा किया सरकार ने दिया कुछ नहीं, और योगी जी धमकाते उन्हें 10,000 मिले इन्हें चुपचाप ले लो अन्यथा नौकरी से भी जाते रहोगे, ये गुंडागर्दी है। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 200 करोड़ रुपए दिए जला के 4 घंटे में तेल फूंक देता है, उसे उन लोगों का हक देने में दिक्कत आती है जो इसके हकदार हैं, वो चाहे आंगनबाड़ी बहने हो चाहे शिक्षा मित्र हो, और इनसे भी बुरी हालत, इनसे भी बदतर हालत, जो बहने मिड डे मील का खाना बनाती है मात्र 1,000 रुपए, केवल 1,000 रुपए महीने का उन्हें मिलता है। 1,000 तो यार है, तो भिखारी भीख मांग रहे जाए उससे ज्यादा तो वो भी कमा लेता है, इतनी बुरी हालत है यहाँ पर, और कोई उनकी बात कहने को तैयार नहीं, कोई उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार नहीं। जहां तक किसानों की बात है, अभी मैं मिलकर आया सारे साथियों से मिला, इस साल में गन्ना पिराई का जो सीजन चला हुआ है अभी तक पैसा नहीं मिला, गन्ना मिलों में चला गया, पिल गया, चीनी बन गई और व्यापारियों की जेब में पैसा आ गया, सरकार को उसका हिस्सा चला गया, लेकिन किसान को अभी उसका पैसा मिला नहीं। माननीय मोदी जी ने 2014 में बड़ी जबरदस्त घोषणा की थी, जहां जाते थे गला फाड़ के उन्होंने घोषणा की, मोदी को वोट दीजिए, ये वोट बीजेपी को नहीं मोदी को है, और कहा जो नौजवान है उनसे कहा, नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को हर साल नौकरी दूंगा, 2 करोड़ नौजवानों को। और श्रीमान जी ने इसके लिए जो राष्ट्रीय मिशन चलाया उसमें 4.5 करोड़ लोगों ने, नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन मात्र 2.5 लाख लोगों को रोजगार दे चुके, केवल 2.5 लाख लोगों को। झूठ की कोई सीमा होती है? लेकिन इनके लिए कोई सीमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, माननीय योगी जी के लिए झूठ की कोई सीमा नहीं।
और सबसे ज्यादा बात यह है कि झूठ भी बोलते हैं और बड़े विश्वास के साथ और बेशर्मी से बोलते हैं। लोगों की कोई परवाह नहीं है। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एक सन्यासी भी है, सन्यासी यह होकर कहता है कि एनकाउंटर जारी रहेंगे, एनकाउंटर रुकेंगे नहीं, तो इससे ज्यादा दुख की बात समाज के लिए नहीं हो सकती। मैंने अभी आपको बताया क्या हाल है पुलिस का। हमारे ही एक साथी, हमारे प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट है मोहम्मद इस्लाम, उनके बेटे को और भतीजे को, फुरकान को और एक और उनका भतीजा, उनको गोली लगी, गोली मारी गई, उनके गांव में घर में घुसकर मारी गई और उन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट कर दी गई और आज पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए बैठी। ये अन्याय और ये अत्याचार लगातार हो रहा और हम किसके लिए काम कर रहे साथियों। उस सबके बावजूद भी अगर समाज के लोग या वो लोग जिन पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर वो लोग इकट्ठे नहीं होते हैं और इकट्ठे होकर अपनी लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो साथियों कैसे काम चलेगा, कौन लड़ेगा आपकी लड़ाई। क्या कोई बाहर से आएगा आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? लड़ना तो आप ही को पड़ेगा, एक आवाज देगा, आपको इकट्ठा होना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अन्यथा तो जो हाल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने जो ठान रखा है साथियों, वो दिन दूर नहीं है। अगर 2019 का इलेक्शन हम चूक गए और भारतीय जनता पार्टी को हराया नहीं हम सबने मिलकर, तो हाल इस देश का बहुत बुरा होगा साथियों, आपकी कल्पना से बाहर है। अभी बहुत रिसेंटली आपको उदाहरण बता दिया हमारे डीजीपी साहब ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट के चार जज कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, दुनिया के इतिहास में पहली घटना, तो हालत कितने गंभीर है आप इसको समझ सकते हैं। और केवल यही नहीं साथियों, हर दिन किसी ना किसी मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है और गरीब और दबे कुचले समाज जो पीड़ित लोग हैं, वो किसी भी जाति और संप्रदाय के हों, विशेषकर बहुजन संप्रदाय के लोग जो हैं, बहुजन समाज के जो लोग हैं, उनके खिलाफ हर रोज फैसले आ रहे हैं। बड़ा अजीब दिन आया है आज की तारीख में, बड़ा अजीब समय आया है। इस देश में ऐसा गठजोड़ हुआ है जो अब से पहले कभी नहीं था। एक तरफ आरएसएस, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट, तीसरी तरफ मीडिया और चौथी तरफ इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति जिसमें अंबानी और अडानी हैं, ये सारे एक जगह मिल गए। अंबानी अडानी उनका पैसा और इनकी सरकारी ताकत और अदालत की कलम, इस सब ने मिलकर इस देश के गरीब और दबे कुछ लोगों का गला दबाने का काम शुरू कर दिया है साथियों। इसे रोकना है हमें, यही है मिशन, यही है माननीय हत्या श्री राम जी का मिशन, इसी के लिए वो जीवन लगाया उन्होंने। लेकिन आज हम लोग समझ नहीं रहे। मैं इतना मानता हूं कि जितने लोग भी यहां बैठे हैं, अगर इन सबको भी यहां से मंच से होने वाली बात, मन से दिए जाने वाले आंकड़े, मन से आह्वान किए जाने वाले जो उद्देश्य है, मिशन है, वो समझ में आ गया, तो साथियों 2019 में यहां की सत्ता पलट जाएगी, एक क्रांति हो जाएगी और आपको आपका हक मिल जाएगा साथियों। 18,000 की मांग हम आंगनबाड़ी बहनों के लिए कर रहे हैं, 18,000 की कोई बहुत बड़ी चीज मांग रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात मांग रहे हैं हम क्या? 18,000 आज की तारीख में जो मिनिमम वेज है उसके हिसाब से इतना बैठता है, ज्यादा नहीं मांग रहे, कोई हम आपसे नहीं मांग रहे 50,000 हमारी वो की जाए, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा। पर देंगे किसको? देंगे अंबानी और अडानी को। 1,25,000 करोड़ रुपया अंबानी, अडानी और उनके जो ग्रुप के लोग हैं, सरकार ने माफ कर दिया। आपने देखा ना मेहुल चौकसी और नीरव मोदी और उससे पहले माल्या, कितने लोग थे देश का पैसा लेके भाग गए, और नौटंकी हो रही है कि उनके पकड़ के लाओ, उनके यहां छापे मारो, उनकी एफआईआर करो। अबे तुम्हें तो भगाए थे, एफआईआर क्या करनी है उनकी, तुम्हें तो थे भगाने वाले। सीबीआई के पास रिपोर्ट कर दी गई थी 31 तारीख तक, क्यों नहीं पकड़ा सीबीआई ने? सीबीआई के पास रिपोर्ट थी 31 जनवरी को, उनके पास रिपोर्ट थी
और उसके बाद में वह समय था कैसे भाग्य नीरव मोदी, लेकिन यही नेता भगाने वाले हैं, यही सब कुछ ललित मोदी भाग गया, यही सब भगाने वाले थे। तो ये सारा जो गठबंधन बन गया है, अगर इसे नहीं तोड़ा गया तो साथियों आने वाला समय हमें माफ नहीं करेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आने वाला समय बहुत बुरा समय होने वाला है। इसलिए मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि सारे साथी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से अपना काम करें, बहुजन समाज को इकट्ठा करें और माननीय साहब काशीराम जी के सपने को पूरा करने के लिए काम करें। साथियों, रोटी तो जानवर भी खाता है, पेट तो जानवर भी भरता है, और हम निश्चित रूप से इंसान कहलाए जाते हैं, तो हमें यह तो समझ में आना ही चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, क्या करना है हमें और किसके लिए करना है। अगर आज हम काम करते हैं और साहब का मिशन पूरा करते हैं तो ये साथियों साहब को इससे क्या फायदा होगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को क्या फायदा होगा, किसी भी महापुरुष को क्या फायदा होगा। जो भी कुछ फायदा होना है वो हम ही को होना है साथियों, और सबसे ज्यादा हमारी आने वाली पीढ़ी को फायदा होना है, और इसी के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा साथियों यहां पर हमारे प्रयासों से आज 14 राजनीतिक पार्टियां और 15 सामाजिक संगठन हमारे राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन में शामिल। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हम बैठे नहीं, हम पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दो लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, लाखों लोग हैं। शुरू में 10 भी होते हैं, बागत 100 भी होते हैं, और उसके बाद में 1000 और लाखों लोग भी होते हैं, फर्क इससे नहीं पड़ता। हमने काम किया, हमारी जिम्मेदारी थी, हमने आह्वान किया है, हम साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, हमें अपनी पूरी तैयारी करनी है और हमने पूरी तैयारी करके यहाँ पर सारी व्यवस्था की। अगर जो लोग नहीं आए तो ये उनकी असफलता है, हमारी नहीं, ये उनकी असफलता है। हम अपने काम में जो जिम्मेदारी हमने उठाई है उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत से मैदान में, और हम इस काम को छोड़ेंगे नहीं। बस आपसे निवेदन है कि जितने भी साथी आए हैं आप सब इस काम को पूरा करने में हमारा साथ दे। साथियों, हम उस देश में जी रहे हैं जिस देश में 3 लाख लोग हर साल भूख से मर जाते हैं, रोटी नहीं मिलती उन्हें। हम तो बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, बहुत अच्छे माहौल में रह रहे हैं, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन 3 लाख लोग इसी देश में भूख से मर जाते हैं, 10 लाख लोग इसी देश में प्रदूषण से मर जाते हैं, जो गंदा माहौल हो रहा है, चाहे हवा में हो या पानी में हो या खाने में हो, जो प्रदूषण है, 10 लाख लोग इसी से मर जाते हैं। साथियों, इस देश में ऐसे माहौल में हम लोग जी रहे हैं, इसके बदलने की जिम्मेदारी किसकी है, जिनको हमने नेता बना के भेजा, जिनको MP बनाया, जिनको MLA बनाया, जो मंत्री बने बैठे हैं, उन्होंने तो अपनी तिजोरियां भरने के अलावा दूसरे तो कोई काम किया नहीं, वो तो सिर्फ सुबह से शाम तक खुशी में लगे रहते हैं, और हम ही क्यों नहीं। जब राजनीतिक पार्टियां MLA MP का टिकट बेचने लगे और एक मंडी बना लिया, जो सेवा का क्षेत्र है उसे मंडी बना लिया, कहीं 2 करोड़ में, कहीं 4 करोड़ में, कहीं 10 करोड़ में, और मौका लगे तो 20 करोड़ में। और एक बार तो मैंने सुना, शायद आपको जानकारी होगी, बहुजन समाज पार्टी के एक नेता है, राज्यसभा का टिकट 100 करोड़ में, 100 करोड़ में राज्यसभा का टिकट 6 साल के लिए। तो जब इतनी बड़ी मंडी बनी हुई है तो कौन सुनेगा तुम्हारी। ऐसे ही नेता जब पार्टियों से जीत आएंगे, ऐसों को जिता के भेजोगे, अगर ऐसों को जिता के अब भी भेजते रहोगे तो हाल वही होगा जो हो रहा है, इससे पूरा होगा। इसलिए तय कर लो कि जो नेता पैसा देकर टिकट लेके आएगा, किसी भी पार्टी का हो, उसे इस बार वोट नहीं देनी, और वोट सिर्फ और सिर्फ इस राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन की जो पार्टियां हैं, सहयोगी दल हैं, उन्हीं के कैंडिडेट को देनी है, उन्हीं को देकर जिताना है। सब हम प्रयास कर रहे हैं, हमने पहल की है, लेकिन इसको परवान चढ़ाना आपका काम है, और आप अगर साथ देंगे तो आने वाले समय में राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन एक नए विकल्प के रूप में आपके सामने उभरेगा और आपकी मांगों को लेकर काम करेगा। साथियों, राष्ट्रीय बहुजन गठबंधन में जितने भी सहयोगी दल हैं, सभी दलों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी टीम है, वो सभी बहुजन समाज से हैं,
और सारे के सारे रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस बात के लिए कि मानवर साहब का श्री राम जी का मिशन पूरा हो, और जिस दिन मिशन पूरा होगा असली श्रद्धांजलि, असली जन्मोत्सव की खुशी हम सबके लिए उसी दिन होगी। साथियों, हम इसी के लिए काम कर रहे हैं। आप समय निकाल कर आए, मेरे और भी साथियों को बोलना है, कभी मौका मिलेगा फिर आगे फिर बोलूंगा, लेकिन जो भी बात मैं कहना चाहता था आपके बीच में रखी है। आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हर बात को सोच समझ के, चिंतन मनन करके, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से इस बहुजन गठबंधन के साथियों को जिताने का काम करें, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को किसी भी कीमत पर सत्ता में वापस आने नहीं देना। जय भीम, जय भारत।